A very special good morning to all of you. स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में. सो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट टू लेकर आया हूँ. तो इससे पहले मैंने इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जहां पे मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड यानी ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवाए हुए हैं. तो अगर अभी तक पार्ट वन वाली वीडियो को आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं. तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो आज ही हमारे इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट टू है, और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि पार्ट टू में मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो क्वेश्चंस आपकी अरिहंत की बुक में नहीं दिए गए हैं. ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा. क्वेश्चन यहां पर लिखा है कि पोटेशियम पर मैंगनेट में मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या होती है. चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पोटेशियम पर मैंगनेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए. अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तभी आप आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. तो पोटेशियम पर मैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है KMnO4. क्या होता है? KMnO4. यह फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ, तो ये मैंने यहां पे लिख दिया. अब पोटेशियम पर मैंगनेट में हमें मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है. तो देखिए मैंगनीज को हम Mn से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब KMnO4 में हमें यहां पे Mn की ऑक्सीकरण संख्या यानी मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है. इसके नीचे मैंने यहां पे अंडरलाइन कर दिया है. अब देखिए KMnO4 में सबसे पहले K लिखा है, K से हमारा मतलब किससे होता है? पोटेशियम से. और पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है? +1 होता है. यानी K की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? मैं यहां पर लिख दूंगा 1. ठीक है, ये मैंने यहां पे लिख दिया. फिर इसके बाद Mn, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है, इसको हम क्या करेंगे? x मान लेंगे. तो 1 के बाद प्लस का साइन और Mn को हम यहां पे क्या करेंगे? x मान लेंगे. इसको मैंने x मान लिया. फिर इसके बाद प्लस का साइन, यहां पे O4 लिखा है. O से मतलब ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है. और कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे. तो 4 × -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? -8 मिलेगा. यानी ये -8 यहां पे है और मैंने यहां पे प्लस का साइन लगाया, ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस मिलेगा हमें यहां पे, यानी माइनस आएगा. फिर इसके बाद 8 को तो लिखेंगे ही, यानी O4 की जगह अब यहां पे क्या आ जाएगा? इसकी जगह हम यहां पे लिखेंगे, देखिए यहां से ये प्लस का साइन हटेगा और यहां पे आएगा -8 और इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 0. क्योंकि देखिए KMnO4 के ऊपर यहां पे कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है. अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x तो आपका यहां पे रहेगा ही. ये देखिए ये -8 है और यहां पे देखिए ये +1 है. तो देखिए -8 और +1 जब इसको सॉल्व करेंगे लेस हो जाएगा और लेस करने पर हमें क्या मिलेगा? -7 मिलेगा. माइनस क्यों मिला? माइनस में क्यों आया? -7 क्यों आया? क्योंकि देखिए यहां पे ये माइनस का साइन बड़ा और प्लस का साइन यहां पे छोटा है. -8 बड़ा और +1 छोटा है. जब देखिए -8 और +1 इसको सॉल्व करेंगे लेस हो जाएगा, लेस करने पर हमें क्या मिलेगा? -7 और इज इक्वल टू यहां पे 0 तो आपका रहेगा ही. अब अगले स्टेप में एक्स इज इक्वल टू ये -7 जब इसको बराबर के इधर भेजेंगे, इधर 0 तो है ही और -7 इधर आके +7 हो जाएगा और 0 + 7 करेंगे तो हमें यहां पे 7 ही मिलेगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं. यानी x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी अगले स्टेप में? x की वैल्यू हमें यहां पे मिलेगी +7, क्योंकि देखिए यहां पे x -7 इज इक्वल टू 0 था. ठीक है, x इज इक्वल टू किया, -7 को बराबर के इधर भेजा 0 के पास, तो यहां के ये क्या हो गया? ये आपका हो गया +7. यानी x इज इक्वल टू +7, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. यानी KMnO4 में Mn यानी मैंगनीज की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या है? +7 है. तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं +7 कहां पे दिया है. ये आपका दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों से एंट्रेंस एग्जाम में पूछे आते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा. क्वेश्चन यहां पे लिखा है Na3PO4 में P की ऑक्सीकरण संख्या है. चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे. अब यहां पे लिखा हुआ है Na3PO4, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं ट्राई सोडियम फॉस्फेट के नाम से. किस नाम से?
ट्राई सोडियम फॉस्फेट के नाम से इसको जानते हैं। तो Na3PO4 में P यानी फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या हमें यहां पे निकालनी है। तो चलिए इसको हम निकालते हैं यहां पे। तो ऊपर मैं लिखता हूं Na3PO4, ये मैंने यहां पे लिख दिया। अब इसमें हमें P यानी फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो P के नीचे मैं यहां पे क्या कर दूंगा, अंडरलाइन कर दूंगा। इसके नीचे मैंने यहां पे अंडरलाइन कर दिया। अब सबसे पहले देखिए यहां पे Na3 लिखा है। Na से मतलब किससे होता है, सोडियम से। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, और कितने सोडियम है, 3 है, तो 3×1 करेंगे यानी हमें मिलेगा 3। यानी Na3 की जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम यहां पे लिखेंगे 3। तो यहां पे इसकी जगह मैंने यहां पे 3 लिख दिया। फिर इसके बाद प्लस का साइन, पी की ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी ही है, इसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे एक्स मान लेंगे। फिर इसके बाद प्लस का साइन, O4 लिखा है, O से मतलब ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, ठीक है। और कितने ऑक्सीजन है, 4, O4 लिखा है, तो 4×-2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -8। और ये -8 है, और यहाँ पे ये प्लस का साइन, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी O4 की जगह यहाँ पे क्या आएगा, -8 आएगा। प्लस का साइन यहाँ से हटेगा ऊपर से, और यहाँ पे आएगा -8, और इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 0, क्योंकि Na3PO4 के ऊपर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। अगले स्टेप में x तो आपका रहेगा ही, ये -8 है और आगे आपका ये +3 है, तो माइनस और प्लस मिलके ये आपका लेस हो जाएगा, और लेस करने पर हमें क्या मिलेगा, लेस करने पर हमें -5 मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये -8, माइनस का साइन बड़ा और +3 यानी प्लस का साइन छोटा है, तो -8 और +3 जब इसको सॉल्व करेंगे लेस हो जाएगा, और लेस होने पर हमें -5 मिलेगा, इज इक्वल टू 0, तो यहां पे रहेगा ही। अगले स्टेप में x इज इक्वल टू, ये -5 है, जब इसको बराबर के इधर भेजेंगे, 0 तो यहां पे है ही, -5 इधर आके +5 हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर भेज रहे हैं, 0 + 5 मतलब इसका मतलब हमें यहां पे +5 ही मिलेगा, यानी x की वैल्यू अगले स्टेप में हमें यहां पे क्या मिल जाएगी, x इज इक्वल टू +5। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि P की ऑक्सीकरण संख्या हमने X मानी हुई थी, और इसी की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी थी फॉस्फोरस की, P की, जिसकी वैल्यू हमें क्या मिली, +5 मिली। देखिए X -5 इज इक्वल टू 0 था, जब देखिए X इज इक्वल टू किया, -5 को बराबर के इधर भेजा, तो इधर आके +5 हो जाएगा, जाहिर सी बात है क्या मिला हमें, X इज इक्वल टू +5, यानी Na3PO4 में P की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो +5 है। चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पार्ट 1 में मैंने आपको वो सभी क्वेश्चंस करवा दिए थे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है, देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे है, Na2S2O3 में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। अब देखिए यहां पे लिखा है Na2S2O3, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं सोडियम थायोसल्फेट के नाम से। किस नाम से, सोडियम थायोसल्फेट के नाम से जानते हैं। तो हमें यहां पे S की यानी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या यहां पे निकालनी है Na2S2O3 में, यानी सोडियम थायोसल्फेट में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ऊपर मैं लिखता हूं Na2S2O3, इसमें हमें यहां पे सल्फर यानी S की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, इसके नीचे मैंने यहां पे कर दिया अंडरलाइन। अब देखिए सबसे पहले आपका क्या लिखा, Na2, Na से मतलब सोडियम से, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, कितने सोडियम, 2 है, तो 2×1 यानी 2, यानी Na2 इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिखेंगे यहां पे लाके 2 को, ठीक है, तो मैंने यहां पे 2 लिख दिया। फिर इसके बाद प्लस का साइन S2, देखिए S से मतलब सल्फर से, इसी की ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है, और कितने S हैं यहां पे, 2 है ना, तो देखिए S इसको तो X मान लूंगा, और यहां पे 2 S हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2×X इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे 2X, यानी यहां पे S और 2 है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे 2X, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 2 और X। फिर इसके बाद प्लस का साइन O3 ऑक्सीजन, O से मतलब ऑक्सीजन से होगा ना हमारा O3, अब देखिए O यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, कितने ऑक्सीजन है, 3 है, यानी 3×-2 करेंगे हमें क्या, 3×-2 करेंगे तो हमें मिलेगा -6, ये -6 और ऊपर प्लस लगा, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी O3 की जगह हमारा यहां पे क्या आएगा, -6 आएगा, और इज इक्वल टू 0, क्योंकि Na2S2O3 के ऊपर कोई चार्ज यहां पे नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब अगले स्टेप में देखिए 2X
इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये माइनस सिक्स है और आगे आपका प्लस टू है, ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी माइनस सिक्स और प्लस टू जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लेस हो जाएगा और लेस करने पर हमें माइनस फोर मिलेगा। माइनस फोर क्यों आया, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस सिक्स, माइनस का साइन बड़ा और प्लस टू यहाँ पे छोटा है, तो टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगले स्टेप में 2x is equal to, ये minus 4 है ना, इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो बराबर के इधर आएगा 0 है plus 4 मिलके यहाँ पे बराबर के इधर आएगा minus 4 plus 4 हो जाएगा, 0 plus 4 करेंगे 4 ही मिलेगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। यानी अगले स्टेप में 2x is equal to हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, माइनस फोर को इधर भेजा, इधर आके प्लस हो जाएगा, 2x is equal to 4। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x is equal to 4 और अपॉन में 2, ये 2 वन 2 हो जाएगा और ये 2 टू 4, यानी x की जो वैल्यू हमें मिली प्लस 2 मिली हुई है। Na2S2O3 में यहाँ पे जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हमें मिली हुई है वो क्या है, प्लस 2 है। तो प्लस 2 ऑप्शन में कहाँ पे दिया है, ये आपका दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, एक से दो बार प्रैक्टिस करेंगे बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, इसीलिए मैं आपको आपकी बुक के बाहर के भी क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा है कि क्लोरोफॉर्म में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होगा। क्या लिखा है, क्लोरोफॉर्म में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होगा। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए फॉर्मूले के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना दी है, पहले भी मैंने आपको कई बार बताया, अगर नहीं देखा है जाके चैनल पर देख लीजिएगा, 2021 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको फॉर्मूले से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्लोरोफॉर्म में हमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूं, जो कि CHCl3, ये होता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र यानी फॉर्मूला। अब हमें आप एक कार्बन की, कार्बन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब CHCl3 में हमें यहां पे C की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। C से मतलब हमारा कार्बन से हो जाएगा, इसी के नीचे मैंने यहां पे अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अब देखिए C की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम X मान लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पे H आपका दिया हुआ है, H से मतलब किससे होता है हमारा, H से हमारा मतलब होता है हाइड्रोजन से। किससे होता है, हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, वो होता है प्लस वन। तो यहां पे H की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, H की जगह मैं यहां पे लिखूंगा, देखिए X तो लिख ही दिया है और यहां पे मैं लिखूंगा वन। ठीक है, और यहां पे मैं क्या करूंगा, प्लस का साइन, एक्स प्लस वन ये मैंने यहां पर लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, Cl3 लिखा हुआ है। क्या लिखा है, Cl3, तो यहाँ पे Cl से मतलब क्लोरीन से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, क्लोरीन से हमारा मतलब हो जाएगा यहाँ पे Cl से। तो देखिए Cl का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -1 और कितने क्लोरीन है यहाँ पे, 3 है, तो 3 × -1 हो जाएगा इज इक्वल टू -3, ये हमें यहाँ पे मिलेगा। तो 1 के बाद ये प्लस का साइन लगाऊंगा, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहां पे देखिए ये माइनस है और यहां पे प्लस का साइन प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यहां पे आपका आएगा Cl3 की जगह यहां पे आ जाएगा आपका -3 और इज इक्वल टू 0, क्योंकि CHCl3 के ऊपर कोई चार्ज तो यहां पे लगा नहीं हुआ है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे एक्स तो रहेगा ही और ये देखिए ये प्लस वन और ये -3, ये प्लस माइनस मिलके यहां पे माइनस हो जाएगा और लेस करने पर हमें क्या मिलेगा, -2 और इज इक्वल टू 0। -2 क्यों मिला, क्योंकि -3 यहां पे बड़ा है, माइनस का साइन बड़ा और प्लस वन का क्या है, प्लस वन का यहां पे छोटा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा और क्या मिलेगा, यहां पे सॉल्व करेंगे तो हमें -2 मिलेगा, एक्स -2 इज इक्वल टू 0, या फिर अगले स्टेप में एक्स इज इक्वल टू -2 को बराबर के इधर भेजेंगे, 0 है और यहां पर आके ये प्लस 2 हो जाएगा, 0 प्लस 2 मिलकर क्या मिलेगा हमें, यहां पर मिलेगा प्लस 2, यानी एक्स की जो वैल्यू हमें मिली यहां पे प्लस 2 मिली। और एक्स हमने किसको माना हुआ था, कार्बन को माना हुआ था ना, कार्बन की ही निकालनी थी हमें यहां पे, तो हमें एक्स की वैल्यू यानी कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या हमें यहां पे मिल गई क्लोरोफॉर्म में वो क्या मिली, प्लस 2 मिली है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब देखिए CHCl3 में समझिएगा, ध्यान रखिएगा यहां पे ये Cl लिखा हुआ, Cl से मतलब क्लोरीन होता है, यहां पे C देखकर कार्बन मत समझने लग जाइएगा, नहीं फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, C आपका आगे लिखा हुआ है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, करेक्ट आंसर आपका यहां पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे।
क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है NH4+ में N की ऑक्सीकरण संख्या का मान होगा। ये सब क्वेश्चंस आपकी बुक में नहीं दिए गए, चार ऑप्शंस आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे NH4+ लिखा है, इसको किस नाम से जानते हैं, तो देखिए ये अमोनियम आयन है। क्या है? अमोनियम आयन, या फिर आप बोल सकते हैं अमोनियम कैटायन है आपका, ठीक है। तो NH4+ में N यानी नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हमें यहाँ पे निकालनी है। तो चलिए लिखता हूं मैं यहाँ पे ऊपर NH4 और ये प्लस का साइन मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। NH4+ ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हमें यहाँ पे नाइट्रोजन N की निकालनी है, तो इसके नीचे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ X मान लिया, ठीक है। फिर इसके बाद आपका H लिखा है, H से मतलब हमारा किससे होता है, हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 यानी X, उसके बाद यहाँ पे प्लस लगाऊंगा और 1 ये मैंने लिख दिया, ठीक है, X+1। और कितने हाइड्रोजन हैं आपके यहाँ पे, 4 हैं, तो क्या हो जाएगा 1 × 4 यानी इसका मतलब 1 की मल्टीप्लाई 4 में, तो सीधे सीधे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 यानी X+4 इज इक्वल टू। अब यहां पे देखिए एक प्लस का चार्ज यहां पे लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, X+4 इज इक्वल टू +1, ये हम यहां पे लिखेंगे। अब चाहे तो यहां पे प्लस लगाएं चाहे ना लगाएं, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर नहीं भी लगाएंगे तब भी आपका 1 प्लस ही रहेगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, एक्स इज इक्वल टू बराबर के इधर आपका +1 है ही, अब जब ये +4 बराबर के इधर आएगा तो इधर आके आपका -4 हो जाएगा, और यहां पे सॉल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू +1 और -4 सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, -3 मिलेगा, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। और -3 क्यों आया, माइनस में क्यों आया, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, -4 बड़ा और प्लस का साइन छोटा, यानी +1 छोटा है, यानी एक्स इज इक्वल टू -3 यानी NH4+ में N की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या हो जाएगा, यह होगा -3। कहां पर दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये सब क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं दिए गए अरिहंत में, लेकिन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन आपकी बुक से आए। और इस बार मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एग्जाम जो आपका हो रहा है ए ग्रुप वालों का ऑनलाइन हो रहा है, तो क्वेश्चन आपको अलग से भी देखने को मिलेंगे, दूसरी बुक से या फिर अलग से आपका क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे लिखा है Cr2O7 2- में Cr की ऑक्सीकरण संख्या का मान होगा। अब देखिए Cr2O7 2- ये किसका फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है, ये है डाइक्रोमेट आयन का, किसका है, डाइक्रोमेट आयन का फॉर्मूला आपका यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे तो हमें यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है इसमें, तो चलिए ऊपर मैं लिख देता हूं यहाँ पे Cr2 ये लिखा, फिर इसके बाद O7 ये है, फिर यहाँ पे 2- का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लगा हुआ है। अब इसमें हमें Cr यानी क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो Cr के नीचे मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ और इसको मैं क्या करूंगा, X मान लूंगा। और कितने Cr यहाँ पे है, 2 है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे Cr को हम क्या करेंगे, X मान लेंगे, यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2X, तो Cr2 है ना, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे 2X, फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन, फिर O7, O से मतलब ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और कितने ऑक्सीजन है, 7, O7, तो 7 × -2 करेंगे तो आपको -14 मिलेगा, -14 मिलेगा ना, ये -14 और यहाँ पे प्लस लगा हुआ, ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, -14 आ जाएगा, -14 ये मैंने लिख दिया। और इज इक्वल टू, देखिए निगेटिव का चार्ज लगा है वो भी 2, 2- ना, तो इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने यहां पे कर दिया, -2 क्यों लिखा, क्योंकि निगेटिव का चार्ज यहां पे ऊपर 2- लगा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब अगले स्टेप में 2x इज इक्वल टू, अब देखिए बराबर के इधर ये -2 तो है ही, और ये -14 जब इसको बराबर के इधर लाएंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, +14 हो जाएगा, ठीक है, +14 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू ये -2 और +14 मिलके हमें क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा प्लस में, क्योंकि +14 प्लस का साइन बड़ा और -2 यानी माइनस का साइन यहां पे छोटा है। या फिर जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहां पे आगे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 12
और अपॉन में 2 हो जाएगा, ये 2 1 2 और ये 2 6 12 यानी x की जो वैल्यू मिली वो हमें मिली +6 यानी x इज इक्वल टू +6, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी Cr2O7 माइनस में Cr यानी क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या है, वो +6 है। +6 कहां पे दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में नहीं है, अगर एंट्रेंस एग्जाम में आएगा तो मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा दिया है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन मेरी बुक का नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करवा दिया। प्रैक्टिस करना आपका काम है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, क्वेश्चन यहाँ पे है MnO42 माइनस में Mn यानी मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होगा। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे क्या लिखा है, MnO42 माइनस, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम बोल सकते हैं मैंगनेट आयन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, ऊपर मैं लिखता हूँ MnO4 और उसके ऊपर 2 माइनस, ये नेगेटिव का चार्ज आपका लगा हुआ है, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इसमें हमें मैंगनीज यानी Mn की, मैंगनीज को हम Mn से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या का मान निकालना, तो इसको मैं क्या करूंगा, Mn के नीचे अंडरलाइन कर दिया, इसको मान लूंगा x मान लिया। अब इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा प्लस का साइन, O4, O से मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और कितने ऑक्सीजन है, 4 है, 4 × -2 इज इक्वल टू हमें मिलेगा -8, ये -8 और यहाँ पे ये प्लस, प्लस माइनस मिलके माइनस यानी -8 आएगा यहाँ पे O4 की जगह, तो यहाँ पे प्लस का साइन ऊपर से हटेगा, यहाँ पे -8 और इज इक्वल टू चार्ज कितना लगा है 2 माइनस का, यानी इज इक्वल टू -2 हम यहाँ पे लिखेंगे, क्यों लिखा, क्योंकि 2 माइनस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। आगे इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू कर देंगे -2 तो यहाँ पे है ही बराबर के इधर, और ये -8 जब इसको बराबर के इधर लाएंगे तो इधर आके ये +8 हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू अगले स्टेप में ये +8 है और ये -2 है, प्लस माइनस मिलके लेस हो जाएगा और लेस करने पर हमें क्या मिलेगा, +6 मिलेगा। +6 क्यों मिला, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है, +8 बड़ा और -2 यहां पे छोटा है, तो x इज इक्वल टू +6 यानी MnO42 माइनस में Mn यानी मैंगनीज की जो ऑक्सीकरण संख्या का मान है वो हमें क्या मिलेगा, +6 मिलेगा। कहां पे दिया है, ऑप्शन में, ये आपका दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 है PO43 माइनस में P की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होगा, P से मतलब फास्फोरस से, और यहाँ पे PO3 माइनस लिखा हुआ है, इसको हम फॉस्फेट आयन के नाम से जानते हैं, किस नाम से, फॉस्फेट आयन के नाम से जानते हैं, तो इसमें हमें यहाँ पे फॉस्फोरस P की ऑक्सीकरण संख्या का मान निकालना है, तो चलिए ऊपर मैं लिखता हूं PO4 और ये 3 माइनस का निगेटिव चार्ज यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया PO43 माइनस, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, P की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, रुकिए मैं थोड़ा यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, PO43 माइनस, ये आपका यहाँ पे निगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे लगा हुआ है, तो PO43 माइनस ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें यहाँ पे P की ऑक्सीकरण संख्या को निकालना है, तो P के नीचे मैं क्या करूंगा, अंडरलाइन कर दूंगा, P के नीचे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं एक्स मान लूंगा, तो P को मैंने यहाँ पे एक्स मान लिया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगा देता हूँ, O4, O से मतलब ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और 4 ऑक्सीजन है, 4 × -2 करेंगे तो हमें मिलेगा -8 और ये -8 और ऊपर लगा है प्लस का साइन, प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, यानी -8 आएगा यहां पे O4 की जगह, यानी x -8 और इज इक्वल टू, देखिए 3 नेगेटिव चार्ज, 3 माइनस आपका लिखा हुआ है, तो इज इक्वल टू -3 लिखेंगे। अगले स्टेप में x इज इक्वल टू -3 तो इधर बराबर के है ही, और ये -8 जब इसको बराबर के इधर भेजेंगे इधर आके +8 हो जाएगा, ठीक है, +8 सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस मिलके यहां पे लेस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस करने के बाद हमें यहां पे मिलेगा क्या, मिलेगा +5, +5 क्यों मिला, क्योंकि देखिए यहाँ पे +8 बड़ा है, प्लस का साइन बड़ा और -3 यहाँ पे छोटा है, तो x इज इक्वल टू +5 यानी PO43 माइनस में जो P की ऑक्सीकरण संख्या है उसका मान +5 है। कहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एक बार पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया है और टेस्ट में भी मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 होगा वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, FeH2O, फिर यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर लिखा है 6, फिर Cl3 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होगा। Fe मतलब लोहा होता है, ठीक है, आप सबको पता है लोहे को हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, आयरन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Fe से। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मैं ऊपर लिखता हूं Fe, ये लिखा Fe, फिर इसके बाद लिखा हुआ है H2O, फिर ब्रैकेट के बाहर यहां पे 6, फिर इसके बाद Cl, फिर यहां पे लिखा हुआ है 3, ये मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें यहां पे Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। Fe के नीचे मैं कर देता हूं अंडरलाइन, और इसको मैं मान लेता हूं x। ठीक है, अब इसके बाद देखिए x, फिर यहां पे मैं लगा देता हूं क्या, प्लस का साइन, फिर H2O लिखा है। यहीं पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए H2O क्या है, ये एक उदासीन अणु है। क्या है, H2O जो है ये एक उदासीन अणु है। तो मैं आपको बता दूं इसका कॉन्सेप्ट, नोट कर लीजिएगा, किसी उदासीन अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, किसी उदासीन अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है, जीरो होता है। इसका मतलब यहां पे देखिए जो H2O है ये एक उदासीन अणु है, और इसमें उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या हो जाएगा, इसका जो ऑक्सीकरण संख्या का मान, या फिर आप बोल सकते हैं ऑक्सीकरण संख्याओं का योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा शून्य। ध्यान रखिएगा, यानी H2O की जगह हम क्या लिखेंगे, सीधे सीधे हम यहां पे लिखेंगे जीरो। और देखिए H2O, इसके ऊपर यहां पे ब्रैकेट लगा और यहां पे 6 लिखा है। अब देखिए 6 है यहां पे, तो यहां पे जीरो की मल्टीप्लाई अगर हम 6 में करवाएंगे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इतने पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे, जीरो लिख देंगे H2O, और जो ब्रैकेट के ब्रैकेट में फिर यहां पे 6 लगा हुआ है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह आएगा यहां पे जीरो। तो यहां पे मैं लिख देता हूं जीरो, यानी एक्स, फिर इसके बाद देखिए Fe की ऑक्सीकरण संख्या को x मान लिया था, और यहां पे H2O, और जो 6 लिखा है इसकी जगह पूरे की जगह क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पे प्लस का साइन, फिर यहां पे क्या लिखा है Cl3, Cl से मतलब क्लोरीन से होता है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, और कितने क्लोरीन है यहां पे, 3 है, तो 3 × -1 हो जाएगा इज इक्वल टू -3 मिलेगा। अब यहां पे देखिए ये प्लस और ये -3 आया हुआ है, ये माइनस और ये प्लस मिलके यहां पे माइनस हो जाएगा, यानी यहां पे क्या आएगा ऊपर, अब आएगा -3, ये प्लस का साइन यहां से हटेगा, -3, और इज इक्वल टू, कोई चार्ज तो यहां पे लगा नहीं हुआ इसके ऊपर, तो जीरो होगा यहां पे। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक्स, ठीक है, और ये यहां पे ये प्लस लगा हुआ है, ठीक है, ये प्लस लगा हुआ है, ये देखिए प्लस लगाया, 0 − 3 है, 0 − 3 करेंगे तो आपको -3 मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 0 में से 3 को लेस करेंगे -3, और ये माइनस और ये प्लस मिलके, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी क्या आएगा x − 3 आएगा, x − 3 और इज इक्वल टू जीरो। अगले स्टेप में x इज इक्वल टू, ये -3 है, इसको बराबर के इधर भेजेंगे, 0 यहां पे है ये, और ये आके इधर +3, यानी 0 + 3 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, +3, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू +3, ये मिलेगा, जो कि कहां पे दिया हुआ है +3, ये आपका दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, किसी उदासीन अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। अब यहां पे H2O लिखा था और बाहर यहां पे ब्रैकेट और ये 6 आपका लिखा हुआ था, तो यहां पे H2O क्या है, ये एक उदासीन अणु है और इसमें उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग शून्य हो जाएगा, या फिर आप मान बोल सकते हैं इसका शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं दिए गए हैं अरिहंत के, नोट कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट बताया उसको नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एंट्रेंस एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, क्वेश्चन लिखा है CONH3, फिर ब्रैकेट में यहां पे लिखा हुआ बाहर 6, फिर इसके बाद पूरे पे ब्रैकेट लगा है और 3 प्लस का यहां पे चार्ज लगा हुआ है। इसमें CO की
ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। CO से मतलब क्या होता है, CO से मतलब होता है कोबाल्ट। क्या होता है, कोबाल्ट को हम CO से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है। तो ये भी आपका ऊपर जैसे मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया क्वेश्चन नंबर 9, वही कॉन्सेप्ट आपका इसमें भी यूज होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं ऊपर यहां पर इसको लिख देता हूं CO, ये मैंने लिख दिया, यहां पर मैं ब्रैकेट लगा देता हूं CO, फिर इसके बाद NH3 ये लिख दिया, फिर इसके बाद यहां पे ब्रैकेट के बाहर यहां पे 6, फिर इसके बाद पूरा ब्रैकेट यहां पे बड़ा वाला लगाऊंगा, फिर इसके बाद 3+ का चार्ज यहां पे लगा हुआ है। अब देखिए इसमें हमें यहां पे CO यानी कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो CO के नीचे अंडरलाइन करूंगा, इसको मानूंगा एक्स, इसको एक्स मान लिया, फिर प्लस का साइन। अब फिर से यहां पर देखिए NH3 आपका लिखा हुआ है, ये जो NH3 है ये क्या है, ये भी एक उदासीन अणु है, ध्यान रखिएगा उदासीन अणु। तो कॉन्सेप्ट वही यूज होगा, किसी उदासीन अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब इसका मतलब यहां पे NH3 एक उदासीन अणु है और इसमें उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग शून्य होगा, या फिर इसका मान जो होगा वो शून्य होगा। अब NH3 है और बाहर यहां पे 6 लगा हुआ है ब्रैकेट के बाद, तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, इस पूरे का मान हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये 0 लिखूंगा और इस पूरे की जगह आएगा, और देखिए यहां पे जो 6 लिखा है इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अगर आप 6 यहां पे मल्टीप्लाई भी करवा देंगे तो आपको 0 ही मिलेगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो इस पूरे की जगह आपको क्या मिलेगा, 0। तो यहां पे मैंने लिख दिया 0, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। फिर इज इक्वल टू, क्योंकि इस पूरे की जगह 0 आ चुका है, अब बचा क्या, केवल 3, ये जो चार्ज लगा हुआ है प्लस का जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इसको हम लिखेंगे इधर +3, क्योंकि यहां पे 3 पॉजिटिव चार्ज आपका लगा हुआ है, 3+ लिखा हुआ जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू +3 ही मिलेगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं यहां पे, ठीक है। यहां पे देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू +3 यही तो मिलेगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट बेस है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, ठीक है। अगर आप आगे कहेंगे तो आगे भी मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, या फिर इतना इनफ है कमेंट करके बताइएगा। टोटल अभी तक मैंने आपको 22 क्वेश्चन करवा दिए इस सीरीज में, और जो पहले मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, जो डेली क्वेश्चंस करवाता था वो तो अलग की बात है, वैसे मैंने आपको अलग से ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड कई क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर इसके अलावा भी अगर आप इस टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं और चाहते हैं कि आगे और भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं, तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अगर आज की वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।